दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं, आपको कुछ नई जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरह आप CSE की मदद से आप स्टूडेंट को BCC का सर्टिफिकेट यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट या साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट या किसी भी तरह के कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आप खुद उनसे करवा कर उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जो कि भारत सरकार से जारी होती है। वो भी आप जारी कर सकते, एक तरह के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी आप खोल पाएंगे, जहाँ पे आज सीखेंगे पूरी चीज विस्तार से। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेज को जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए सबसे पहले आपको CSE को लॉगिन कर लेना है। CSE लॉगिन करना तो आप जानते हैं, आपको जाना है digitalseva.cse.gov.in की वेबसाइट पे। ये मैं CSE की वेबसाइट पे आ चुका, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने का तो ID पासवर्ड देंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा CSE जो ये लॉगिन हो चुका है। हम CSE कंप्यूटर कोर्स कराएंगे अभी, और उसमें आपको मैं दिखाएंगे पूरा चीज कि किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह परीक्षा लिया जाता है, किस तरह उनको पढ़ाया जाता है और किस तरह उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और कितना पेमेंट लगता है, पूरी चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो हम CSE में आ गए सर्विस में, और यहाँ पर हमको सर्च कर देना है CSE अकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CSE अकेडमी, जैसे हमने सर्च किया यहाँ आ चुका है बेसिक कंप्यूटर कोर्स CSE अकेडमी। यहाँ बहुत सारे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको ये वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, CSE बेसिक कंप्यूटर कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, यहाँ पे लॉगिन बटन पे आएंगे और यहाँ पे आपको सेंटर है, तो आपको सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने CSE ID से लॉगिन करना होगा, कनेक्ट विद डिजिटल सेवा, तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर चुके। आप यहाँ अपने सेंटर का डैशबोर्ड लॉगिन कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए CSE ID रहेगा, नाम रहेगा। यहाँ पे देखिए मैंने BCC सर्टिफिकेट एक स्टूडेंट का एडमिशन किया था, एग्जाम दिलाया, उनका पास भी हो गया, उनका सर्टिफिकेट भी आ गया। मैं पूरी चीज़ आपको विस्तार से बताऊंगा। ये सभी कोर्स है, यहाँ पे देखिए BCC कोर्स, AWS कोर्स, PMG था, UDMI, साइबर सिक्योरिटी, टॉपर वगैरह, LMS कोर्स, यहाँ पे बहुत सभी तरह के कोर्स आपको मिल रहे हैं जो कि कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। ठीक है, तो ये कोर्स आप करवा सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए अगर BCC कोर्स किसी को करवाना है, कोई भी बच्चा BCC कोर्स करना चाहता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे BCC कोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एड स्टूडेंट और एक व्यू स्टूडेंट आ जाएगा, तो आपको एड स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा। एड स्टूडेंट भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम देना होगा, स्टूडेंट के फादर का नाम, स्टूडेंट का मदर का नाम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना होगा, उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन, अगर 10 से कम है उनकी क्वालिफिकेशन तो बिलो 10th, अगर मैट्रिक है तो 10th, इंटर तो 12th, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना, उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस देंगे, यहाँ पे आपको पिन कोड देना होगा और यहाँ पे एक फोन नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे एक आपको पासवर्ड साइज की फोटो को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा चीज़ फिलअप कर चुका हूँ। आपको एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक ही स्टूडेंट भी लेगा, अगर एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल आईडी अदर भी स्टूडेंट में देंगे तो वो लोड नहीं लेगा। यहाँ पे मैंने फोटो भी अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ आपको पेमेंट करना होगा, यहाँ पे पे नो के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ एक बटन मिला प्रोसीड टू पे, तो आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका पेमेंट कट जाएगा, मतलब कि 300 से लेकर 350 के बीच में आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। यहाँ पे अभी हमारे पास पेमेंट नहीं, इसलिए हम पेमेंट नहीं करके दिखा सकते, क्योंकि मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। तो 300 से 350 के बीच में आपका पेमेंट कटेगा, जब आपका पेमेंट कट जाएगा तो उसको रिडायरेक्ट कर देगा इस तरह, और यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट है यहाँ पे शो कर जाएगा जितना भी एडमिशन आपने किया होगा। उसके बाद यहाँ फिर से BCC कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल रहा है व्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। व्यू स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का ID, नाम, पूरा एड्रेस और यहाँ पे यूजर नेम उनका दिखाई देगा, इस यूजर नेम को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम आ जाएगा, इस यूजर नेम को कॉपी कर लेंगे, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, फोटो और पेमेंट यहाँ पे पेड दिखा रहा है, यहाँ पे स्टेटस में टिक लगा हुआ। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस यूजर नेम को कॉपी कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इनसे लॉग आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लॉग आउट कर लेंगे। अब इस स्टेप को मैं क्लोज कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आएंगे लॉगिन पे आने के बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो यूजर नेम था वो यूजर नेम कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टम
स्टूडेंट का मोबाइल नंबर देंगे जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए थे, उसका साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यूजर नेम दिखेगा, रजिस्ट्रेशन डेट दिखेगा। यहाँ पे आपको सबसे आपको ट्रेनिंग लेना होगा, पढ़ना होगा। तो यहाँ पे कोर्स लंच है, यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब जानकारी लेना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक इनेबल, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाउ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सेलेक्ट टॉपिक फ्रॉम टॉपिक लिस्ट, तो यहाँ पे किसके बारे में जानकारी, यहाँ ये सभी मतलब पार्ट है, लेसन है, ये सभी लेसन को आपको पढ़ना होगा, ठीक है, आप एग्जाम में आपको आसानी होगी। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर को जाने, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आधार, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम और वर्कशीट, मतलब कि यहाँ पे इंटरनेट के कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी गई। तो कंप्यूटर को जाने पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर की मूल बातें पे क्लिक करेंगे, परिचय कंप्यूटर क्या है वो जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोडिंग हो चुका है, ये सभी को हमको पढ़ना है। सत्र में आप कंप्यूटर के, यहाँ देखिए आप ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो चुका। तो चलिए पहले कंप्यूटर को परिभाषित करते हैं। कंप्यूटर को इसका नाम कंप्यूट से मिला, जिसका अर्थ है गणना। हमने देखा है कि एक कंप्यूटर हमारे लिए गणना से कहीं अधिक कार्य करता है। एक कंप्यूटर बिजली से संचालित होने वाला एक उपकरण होता है, जिसे सूचना और आंकड़े को रखने। इसी तरह आप सभी कोर्स को आपको पढ़ना है, जिस मतलब एक एक करके सभी पार्ट को पढ़ना है। हर पार्ट आपको एक से दो मिनट का मिलेगा। जैसे कंप्यूटर क्या ये होगा, कंप्यूटर का वर्गीकरण पर क्लिक करेंगे, तो पूरी चीज आपको पढ़ना होगा, जिससे आपको परीक्षा में आसानी होगा। आधार पर कंप्यूटर को मुख्य रूप से सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर, निजी डिजिटल असिस्टेंट और टैबलेट्स के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको कंप्यूटर का पूरा ट्रेनिंग लेना, यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है वीडियो की मदद से। हर वीडियो आपको एक से दो मिनट का रहता है, तो वो पूरी चीज यहाँ पे आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और प्रश्न के उत्तर देने के लिए। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचे पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी पूरा चीज तो नहीं बताया, लेकिन इस तरह आप पूरा पढ़ लेंगे, जब पढ़ लेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन भी देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित तो उपकरण में कौन सा एक कंप्यूटर डाटा संग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर हो वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको जांचे पे नीचे में क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका आंसर होगा वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जांचे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे कीवर्ड होगा इसका आंसर, मैंने मॉनिटर डाल दिया था, कौन सा ओ ठीक है। इसी तरह आपको दो क्वेश्चन दे देंगे, दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचे पर क्लिक करें। यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा आउटपुट उपकरण है, तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जांचे पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सही है, बहुत बढ़िया, आपका जवाब सही है। इसी तरह आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको एग्जाम भी लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो ये तो एक तरह का क्लास हो गया। आप जो मेन एग्जाम होता है, जो आप इसको पढ़ लेंगे, पूरी चीज को आप समझ जाएंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तब आपको मेन एग्जाम के लिए क्या करना होगा, आपको फिर से इन वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करते हैं, होम पे आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेते एक बार। यहाँ फिर से स्टूडेंट पे आएंगे, अच्छा सुनो ना, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर लो। तो उसके बाद यहाँ पे आप लंच कोर्स कर चुके, यहाँ से आप पढ़ लिए हैं, ट्रेनिंग मिल चुका आपको। अब आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे स्टार्ट नो पे क्लिक कर देना होगा। स्टार्ट नो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एट मतलब मॉड्यूल मिलेंगे, और एट मॉड्यूल को आपको कंप्लीट करना है। जैसे कंप्यूटर बेसिक कोर्स मॉड्यूल आपको मिल रहा है, कंटेंट है, और टोटल इस मॉड्यूल में आपको हर 8 मॉड्यूल है, आपको हर में मॉड्यूल है, अगर हर में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, हर में आपको 10 से ऊपर क्वेश्चन लाना होगा, तब मतलब मार्क लाना होगा, तभी आपको पास किया जाएगा। 25
हर मॉड्यूल रहेगा 25 मार्क का, जिसमें आपको 10 से ज़्यादा मार्क लाना होगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम देंगे, सबसे पहले आपको मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे जो स्टेटस है, इस यहाँ देखिए 5 दिखा रहा, 5 दिखा रहा, 5 दिखा रहा। आप जब न्यू इसका किसी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक लॉक आइकन रहेगा, लॉक आइकन रहेगा, लॉक आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा आपको पास, और आपको 4 अब मतलब कि आंसर दिए जाएंगे, उसमें सेलेक्ट करना सही आंसर, 25 आंसर देना होगा, 25 क्वेश्चन का 25 आंसर देंगे, उसको सबमिट करेंगे। उसका जितना मार्क यहाँ पे आपको दिखा गया उतना मार्क आपका सही हुआ। इसी तरह आपको सभी कंप्लीट कर लें, यहाँ पर देखिए 25 में 23 सही हुआ, 25 में 23 सही हुआ। इस टाइप का आपको मतलब सभी पे एक एक करके 25 इसमें है, 25 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, 25 क्वेश्चन इसमें, 25 क्वेश्चन इसमें, सभी में आपको क्लिक करके करना होगा। जो जिसमें 10 मार्क से ज़्यादा आ जाएगा उसमें आपको इस टाइप का आइकन बनेगा। अभी जो आप न्यू रजिस्टर उसमें लॉक टाइप का आइकन होगा, ठीक है। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ समय बाद फिर से आपको इस वेबसाइट पर जब आप सभी मॉड्यूल में जब आप पास कर देंगे तो कुछ कुछ दिन मतलब कि कुछ देर के बाद, 1 घंटे या 1 दिन के बाद आप फिर से इसी वेबसाइट पर आएंगे, लॉगिन करेंगे स्टूडेंट का पोर्टल। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8 महीने कंप्लीट किया था, और यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट भी इन स्टूडेंट का आ चुका है, यानी कि इस सर्टिफिकेट पास हो चुका है। यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट भी क्लिक करेंगे, तो मैं गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ, आपको मैं सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ बीसीसी का सर्टिफिकेट कैसा होता है। ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इसे आप हर जगह पे लगा सकते हैं, किसी भी काम में या किसी भी जॉब में आप लगा सकते हैं। ये देखिए सर्टिफिकेट नंबर हो गया, सीएससी एकेडमी के द्वारा जो फोटो आपने दिया था वो फोटो आ गया, मैंने दिया था। उसके बाद यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, उसके बाद नाम, उसके बाद यहाँ पे 36 hours ऑफ बेसिक कंप्यूटर कोर्स ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी एस सी एकेडमी का जो है उनका ये हो गया। तो यहाँ पे इशू का डेट भी रहेगा और कहाँ पे इशू हुआ, न्यू दिल्ली से ये इशू हुआ। ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसे आप किसी भी जॉब या किसी भी अन्य चीज़ में आप इसे लगा सकते हैं। यह बीसीसी सर्टिफिकेट का कंप्यूटर कोर्स हो गया। आपने पूरा प्रक्रिया जान लिया, मैं आपको फिर से पूरा प्रक्रिया बता देता हूँ। आपको आना है सीएससी के पोर्टल पे, और यहाँ पे आपको सीएससी एकेडमी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन पे आना है, उसके बाद सेंटर लॉगिन करके आपको सबसे पहले स्टूडेंट का एडमिशन करना है। जब स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा तो आपको यूजर नेम मिलेगा, उसके बाद फिर से स्टूडेंट पे यहाँ पे आपको फिर से आना होगा लॉगिन पे। उसके बाद आपको दूसरे वाले स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो सी एस सी आई डी, जो भी आपको यूजर नेम मिला था यूजर नेम देना है, और पासवर्ड मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे लंच कोर्स पे क्लिक करके आपको तैयारी करना, उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम देना, उसके बाद यहाँ पे आपको गेट सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता, कैमरा वगैरह कोई चालू नहीं होता, ऑफलाइन होता है। तो इस तरह आप इसको पास करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एक अच्छा खासा। ये तो हो गया बीसीसी का। अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरी कोर्स करना चाहते हैं तो उसी तरह आपको सिंपली से फिर से लॉगिन पे आना होगा, स्टूडेंट सेंटर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से अपना सी एस सी आई डी पासवर्ड देंगे, साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटर वाला जो आईडी होगा वो लॉगिन हो जाएगा, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी करूँगा तो साइबर सिक्योरिटी एड स्टूडेंट करेंगे। सेम सभी में फॉर्म आपको उतना ही भरना होगा, और यहाँ पे यूजर टाइप कौन अप्लाई कर रहा है, VLE कर रहा है या स्टूडेंट किसी का एडमिशन कर रहा है, वो पूरा चीज़ आपको यहाँ से देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करके पेमेंट कर देना होता है। इसी टाइप का आप करके आप कंप्यूटर कोर्स अपने स्टूडेंट को अपने सेंटर पर दे सकते हो, और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप, अगर आपको स्पाइस मनी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्पाइस मनी की ऐसी कंपनी है जहाँ से आप रुपया निकासी, जमा और रिचार्ज वगैरह के काम कर सकते हैं। बहुत कम ही दाम में आपको यहाँ से आईडी मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी भी बहुत सारे कस्टमर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे साथ अभी बहुत सारे रिटेलर काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं हमारे साथ काम तो आप हमें, आपको मैंने कॉन्टेक्ट नंबर अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उनसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।